नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं भाई दुबई के बारे में। जी हाँ भाई, दुबई के बारे में आपको पता है भाई सबको। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है, जहाँ तक जितने लोगों के कमेंट्स वगैरह या फिर कमेंट्स क्या भाई दिखता ही है, दुबई जितने लोग जाना चाहते हैं उतना मुझे नहीं लगता किसी और कंट्री में जाना चाहते होंगे। जी हाँ, हालांकि दुबई ने फ्लाइटें चालू कर दी थी इंडिया के लिए, 12-15 देश जितने भी थे सबको बैन करके दुबई सरकार ने इंडिया के लोगों के लिए फ्लाइटें चालू थी। जी हाँ, आप सबको पता ही है। लेकिन भाई संकट इतना गहराई से गहरा गया कि दुबई सरकार को भी सोचना मजबूर हो गए, वीआई सरकार ने, कि भी इंडिया के लिए फ्लाइटें बंद कर दी गई। जी हाँ, इसका भाई आपको सबको पता ही है कि पिछले 24 अप्रैल से फ्लाइटें बंद हुई थी, आप सबको पता ही है। उस दौरान इतनी भगदड़ मच गई थी कि लोगों ने मतलब 5 गुना 50-60 हज़ार रुपये भी टिकट के देके दुबई पहुंचना चाह रहे थे, जो लोग गए भी। जी हाँ, लेकिन फिर भी बहुत सारी जनता रह गई थी, क्योंकि 22 तारीख को ऐलान हुआ, आपको पता है 22 मई को अप्रैल को ऐलान हुआ, 2 दिन में कितने लोग जा सकते हैं इंडिया से, क्योंकि फ्लाइटें बुक हो गई। तो फिर टिकट नहीं मिली है तो नहीं कि ट्रेन में चढ़ गए लटक के चले गए, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारी जनता जो दुबई जाना चाहती है उनके लिए क्या हो सकता है, यहाँ पे हम डिटेल से बात करेंगे। वीज़ा के बारे में, फ्लाइट के बारे में, ठीक है, कोरोना अपडेट के बारे में, जॉब से रिलेटेड सभी प्रकार की हम जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे जितना भी अवेलेबल है। वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना के बारे में, क्योंकि ये कोरोना ही एक ऐसी चीज़ है कि सबको तहस नहस करके रखा हुआ है। जी हाँ, इंडिया में अगर कोरोना की बात करें तो भाई आंकड़े इतने ज़्यादा बढ़ गए, हालांकि आंकड़े सरकार ने कम दिखा रखे हैं, आपको सबको पता ही है। ठीक है, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख आंकड़े जा रहे हैं, अब आपको सोचने की बात है। हालांकि 3 दिन से थोड़े आंकड़े कम हो रहे हैं, अच्छी बात है। इसी तरीके से अगर आंकड़े कम होते रहे तो उम्मीद है कि अगले जो जून में उम्मीद करेंगे कि आंकड़े लास्ट में जाके एकदम कम हो जाए, सभी देश इंडिया के लिए फ्लाइटें ओपन कर दें, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि लगभग इंडिया में लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन का ही रिजल्ट है कि इसी वजह से ये प्रॉब्लम कम होती जा रही है कोरोना की। जी हाँ, ये बड़ा रीज़न हो गया। अब दुबई में अगर कोरोना की बात करें तो भी आंकड़े बताने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मौत नहीं होती, आपको पता है 2-4-5 डेली मौत होती हैं, और लगभग 1500 से 2000 आंकड़े ही निकल के आ रहे हैं दुबई में, तो बहुत कम है, कोई ज़्यादा नहीं है 1500-2000। 7 स्टेटों में यार कितने को होते हैं। कोई अच्छी बात यह है कि वीए में आंकड़े कंट्रोल में है, कोरोना कंट्रोल में है, और लगभग लोगों को वैक्सीन की जो फर्स्ट डोज है वो लग चुकी है। जी हाँ, इस वजह से ये प्रभावी हुआ है, तो ये अच्छी न्यूज़ है। जिनको कोरोना की जो वैक्सीन लगी है ना, 100% है कि वो लोग इफेक्ट इतना नहीं हुए कोरोना से। अगर कोरोना लग भी हो भी जाता है तो बंदे को अंदर से निकल जाता, पता ही नहीं लगता कि कोरोना हुआ है, 2-3 दिन हो सकता है बुखार रहे, बाकी सब ठीक हो जाता है। सेकेंड टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं भाई वीज़ा के बारे में। जी हाँ, दुबई का आपको पता है भाई वीज़ा, वीज़ा बता दूं 2020 मार्च में बंद हुए थे वर्क परमिट वीज़ा, आपको सबको पता ही होगा, अभी तक बंद ही हैं। हालांकि लोग जा रहे हैं, वो कैसे जा रहे हैं, लोगों को वीज़ा भी वर्क परमिट मिल रहे हैं वो जाने, उनका काम जाने, बाकी स्थिति ये है कि बंद हैं। पर विजिट वीज़ा की बात करें तो विजिट वीज़ा चालू हैं, अगर आप अभी भी विजिट वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपको वीज़ा मिल सकता है। वीज़ा में आपको पता है 2 महीने की वैलिडिटी होती है, अगर आप 2 महीने में दुबई नहीं गए तो वो वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा आपका, तो आपके पैसे फोकट में लग गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप दुबई जाना चाह रहे हैं एजेंट के कहने से या आपके अपनी मन मर्जी से कोई वीज़ा निकाल लेते हैं तो भाई पैसे ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि पता नहीं फ्लाइट कब ओपन हो। लोग पहले, आपको पता है 24 अप्रैल को फ्लाइटें बंद हुई 10 दिन के लिए, तो लोगों को लगा 10 दिन बाद ओपन हो जाएगी, 10 दिन से फिर ओपन आगे कर दी अभी, यानी 14 जून तक, अभी आपको पता है सबको 14 जून फ्लाइट कर दी है। तो कहने का मतलब है कि वीज़ा को निकालने में इतना जल्दबाजी ना करें, क्योंकि वीज़ा अगर आप निकाल लोगे पैसा लग जाएगा, आप नहीं पहुंच पाओगे तो वो कोई काम का नहीं है, और आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं होने वाला है विजिट वीज़ा दुबई का। जी हाँ, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा वेट करिए। जैसे फ्लाइटें ओपन हो जाती हैं तो वीज़ा क्या है, 2 से 3 दिन में वीज़ा मिल जाता है, तो इतने जल्दबाजी करने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो किसी के कहने में बहकाव में आके वीज़ा नहीं लें, थोड़ा वेट करिए, ठीक है। जाके बात कर लेते हैं भाई फ्लाइट के बारे में। जी हाँ, आपको पता है भाई फ्लाइट दुबई सरकार ने 14 जून तक एक्सटेंड कर दी है। जी हाँ, और अभी भैया 14 जून का टाइम पड़ा है, लगभग ये मान सकते हैं कि 20 दिन आराम से पड़े,
14 जून के बाद में सरकार क्या घोषणा करती है, 12 जून 13 जून को अपडेट आ जाएगा, आपको सबको पता ही है, तो उसका थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब लोग इधर से चले जाऊँ, मैं बहरीन से चले जाऊँ, मैं कतर से चले जाऊँ, मैं दूसरे देश से होके निकल जाऊँ, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। पूरी वीई ने इंडिया के लोगों के लिए बैन करके रखा है, तो इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि सरकार ने साफ साफ आदेश भी दिया हुआ है कि भाई, निर्देश दिया हुआ है कि भाई हमारी इजाज़त के बिना इंडिया का आदमी दुबई नहीं पहुंचना चाहिए। इस बात का आपको सोचने की ज़रूरत होनी चाहिए, तो इन चीज़ों को आपको गौर करने की ज़रूरत है। 14 जून तक वेट करना ही करना है, आपके पास वीज़ा पड़ा है, ठीक है, आपको एजेंट बोल रहा है, आपको और कोई बोल रहा है, आप टिकट बुकिंग हो रही है, आप करवा सकते हैं, पैसा दे दीजिए फ्लाइट को, एयरलाइंस पैसा लेने के लिए तैयार बैठे हैं, उनको आप 14 जून के बाद में टिकट बुक हो जाएगी तो आप करवा सकते हैं। तो टिकट बुक करवा के अपना पैसा वेस्टेज जाना है, क्योंकि 14 जून के बाद पता लगे आगे चला गया 14 दिन 15 दिन, तो फिर आपके पैसे गए काम से। पैसा जाने का मतलब क्या है, पैसा रिफंड नहीं होगा, टिकट ले लो, ये ले लो, हम आपको तब देंगे, वक्त देंगे, तो मतलब दिक्कत होने वाली है। तो वीज़ा से रिलेटेड और फ्लाइट से रिलेटेड वेट करने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। आपको चाहे एजेंट बोले, चाहे मैं बोलूँ, चाहे आपको किसी कोई और बोले, किसी का कहना नहीं मानते हुए अपने विवेक से ये काम करना है। वीज़ा लेने वाले वीज़ा न लें, टिकट बनाने वाले टिकट न बनाए, वरना आपका जो आपकी जो पैसा है वो ख़राब हो जाएगा, मेरा कहने का मतलब ये है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इंडिया में अच्छी बात यह है कि इंडिया में कोरोना केस अभी पिछले 3 दिन से कम हो रहे हैं, आप सबको पता है। इफेक्टेड अगर बात करें तो लगभग 2.5 लाख आ रहे हैं, रिकवरी 3 लाख से ऊपर पर डे हो रही है, तो एक अच्छी न्यूज़ है। उम्मीद करते हैं कि अगले महीने में, यानी बात करें कि जून में, ये सब कुछ नॉर्मल हो जाए, हम उम्मीद ऐसा करते हैं। जॉब्स की बात करें तो भाई आपको पता है जॉब तो देखिए दुबई में है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारी पब्लिक इंडिया के भी 5-7 लाख से ऊपर लोग इंडिया आ गए, ठीक है, दुबई से, पाकिस्तान के, पाकिस्तान से ले गए, तो कहने का मतलब कुछ स्पेस खाली हो गया, जॉब मिल जाएगी आपको, जॉब की कोई टेंशन नहीं है। दुबई में जो लोग बैठे हैं उनको जॉब आराम से मिल रही है, लेकिन ये अलग बात है कि आप चाहते हो 1500 दराम मुझे दे दो, 2000 दराम दे दो, वो तो नहीं मिलेगी। आपकी जो योग्यता है, आपकी कैपेसिटी है, आपकी केबिलिटी है, उसके हिसाब से आपको जॉब मिल सकता है, जॉब की नो टेंशन, तो जॉब भी मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। एजेंटों के कहने में आके आप जल्दबाजी ना करें, ठीक है, तो थोड़ा वेट करिए। उम्मीद करते हैं कि इस महीने, अगले महीने अपने घर रहिए, अगर बात करें तो जून की, जी हाँ, जून लास्ट में जाके उम्मीद करेंगे कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, जिस तरह से इंडिया में वैक्सीनेशन तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है, और कोरोना के केस कम हो रहे हैं, हम उम्मीद करेंगे कि इंडिया की सब कुछ ठीक हो जाए तो फ्लाइटें वगैरह चालू हो जाए। बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय।